तो लगातार इस बात को लेकर ये चर्चा है, इस बात पर विचार हो रहा है कि आखिर अब कौन होगा उत्तराधिकारी, और इसी को लेकर ये बैठक भी है। एक अनुमान के मुताबिक प्रयागराज और आसपास के इलाकों में निरंजनी अखाड़े के मठ, मंदिर और जमीन की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा की है, जबकि हरिद्वार और दूसरे राज्यों में संपत्ति की कीमत जोड़ें तो वो हजारों करोड़ों के पार है, और महंत जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी इसके प्रबंधन की होगी। कुंभ नगरी प्रयागराज से लेकर कुंभ नगरी उज्जैन और नासिक समेत कई राज्यों में निरंजनी अखाड़े के पास अकूत संपत्ति भी मौत की वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि निरंजनी अखाड़े की कुंभ नगरी उज्जैन और ओंकेश्वर में 250 बीघा जमीन, आधा दर्जन मठ और दर्जन भर आश्रम है। कुंभ नगरी नासिक में 100 बीघा से अधिक जमीन, दर्जन भर आश्रम और मंदिर है। बड़ोदरा, जयपुर, माउंट आबू में भी करीब 125 बीघा जमीन के अलावा कई मंदिर और आश्रम हैं। हरिद्वार स्थित मुख्यालय के अधीन दर्जन भर मंदिर मठ हैं। वाराणसी में भी मंदिर और आश्रम के साथ करोड़ों की जमीन है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।